तो टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 47 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा 2 मई 2022 मंडे को। अब यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है। एक तरफ है आईपीएल 2022 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों में से एक राजस्थान रॉयल्स, जिस टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, स्पेशली जोस बटलर, सैमरन हिटमायर, संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल ने गजब का प्रदर्शन किया है। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस अब तक इस सीजन बिलो एवरेज रहा है, जहां यह टीम पिछले 5 मुकाबले बैक टू बैक लगातार हार कर आ रही है। तो लगातार 5 हार के बाद क्या केकेआर की टीम इस मैच में शानदार वापसी कर पाएगी या फिर नहीं, यह बड़ा सवाल है। जहां राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन अब तक इस सीजन बेहतरीन रहा है, यह टीम टॉप 3 में मौजूद है और अब यहां से प्लेऑफ में पहुंचना राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी आसान काम बचा है। तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब यहां से करो या मरो के मैचेस बचे हुए, यहां से लगभग सभी मुकाबले केकेआर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच साल 2022 की ये दूसरी लड़ाई है, जहां इन दोनों टीमों के बीच ऑलरेडी एक मुकाबला आईपीएल 2022 में खेला जा चुका है, आईपीएल का मैच नंबर 30, और उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कोलकाता को मात्र 7 रन से हरा दिया था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मिले उस हार का बदला इस मैच में लेना चाहेगी, अपना रिवेंज लेना चाहेगी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। अब राजस्थान को अपने लास्ट मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 रन से हार का सामना करना पड़ा था, तो ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 विकेट के अंतर से हार कर आ रही है। अगर हम यहाँ दोनों टीमों के परफॉर्मेंस और आंकड़ों पर नजर डालें, तो जहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिछले जो 10 आईपीएल मुकाबले खेले, राजस्थान रॉयल्स की टीम को 6 मैचों में जीत मिली, तो वहीं 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पिछले जो 10 आईपीएल मुकाबले खेले, 7 मैचों में इस टीम को करारी हार मिली है, मात्र 3 ही मैच ये टीम जीत पाई है पिछले 10 मुकाबलों में। तो इस वीडियो में आगे इस मैच की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, की आखिर किसका लड़ाप हारी है और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, और इस मैच मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, जीतेगी केकेआर या फिर जीतेगी राजस्थान रॉयल्स की। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यह मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 में टोटल 12 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 6 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं चेस करने वाली टीम को यानी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी 6 ही मुकाबलों में जीत मिली है। जहां इस मैदान का अब तक आईपीएल 2022 में जो एवरेज स्कोर रहा है, औसत स्कोर रहा है, वो रहा है 160 रन। तो इस मैदान का अब तक सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा स्कोर रहा है 222 रन, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ही स्कोर किया था। तो इस मैदान का सबसे लोवेस्ट स्कोर रहा है 133 रन, जो कि सीएसके की टीम ने बनाया था। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, तो आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक टोटल 26 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां इन 26 मैचों में से 13 मैचों में जीत मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, तो वहीं 12 मैचों में जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स की टीम को और 1 मैच नो रिजल्ट रहा था। तो यहां पर दोनों टीम लगभग बराबरी पर दिखाई दे रही है। बात करें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के बारे में, तो कोलकाता का सबसे बड़ा स्कोर है 210 रन और सबसे छोटा स्कोर 125 रन जाए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो वहीं राजस्थान का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 217 रन केकेआर के खिलाफ और सबसे लोवेस्ट स्कोर 81 रन रहा है। अब जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो फिलहाल अंक तालिका में नंबर 8 पर मौजूद है, यह टीम अब तक टोटल 9 मैचेस खेल चुकी है और इन 9 मैचों में इस टीम को मात्र 3 ही मैचों में जीत मिली है और 6 मैचों में करारी हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 6 अंक है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो फिलहाल अंक तालिका में नंबर 3 पर मौजूद है और इस टीम ने भी अब तक टोटल 9 मैचेस खेल लिए, लेकिन इस टीम को अपने 9 मैचों में से 6 मैचों में शानदार जीत मिली है, मात्र 3 ही मैचों में इस टीम को हार मिली है और इस टीम के टोटल 12 अंक है। तो बिना देरी के चलिए बात करते हैं आईपीएल के मैच नंबर 47 के लिए कोलकाता और राजस्थान दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एज ओपनर नंबर 1 पर जोस बटलर होंगे, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और नंबर 2 पर होंगे देवधर पड्डीकल, ये दोनों ही करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर संजू सैमसन कप्तान, और नंबर 4 पर ड्रायल मिचेल, नंबर 5 पर सैमरन हिटमायर, और नंबर 6 पर रियान पराग, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, जबकि नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 9 पर कुलदीप सेन और नंबर 10 पर प्राशिद कृष्णा, जबकि नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल, जबरदस्त स्पिनर। तो ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। बात करें यहां कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, तो एज ओपनर नंबर 1 पर आरोन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, और नंबर 2 पर होंगे वेंकटेश अय्यर। तो नंबर
नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर कप्तान और नंबर चार पर नीतीश राणा, जबकि नंबर पांच पर रिंकू सिंह, नंबर छह पर बाबा इंद्रजीत विकेट कीपर बैट्समैन और नंबर सात पर आंद्रे रसल जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर आठ पर सुनील नारायण, जबकि नंबर नौ पर पैट कमिंस या फिर टीम साउथ, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, नंबर दस पर उमेश यादव तेज गेंदबाज और नंबर ग्यारह पर हर्षित राणा। तो यदि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11, चाहे दोनों टीमों की वैसे तो संभावित प्लेइंग 11 है लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की इस मैदान में उतरने वाली है। अब अगर हम बात करें इस मैच की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है, काफी स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम काफी खराब फॉर्म में चल रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी लगभग दोनों टीम बराबरी पर दिखाई दे रही है और एक मैच खेला जा चुका है इन दोनों टीमों के बीच इसी साल, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कोलकाता को हराया था। इस मुकाबले को लेकर हमारी सोच यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत सकती है, लेकिन ये मेरा दिल कह रहा है, लेकिन अगर हम दिमाग से सोचें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम यह मुकाबला जीत सकती है, मोस्ट फेवरेट टीम मानी जा रही है इस मुकाबले की। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी यह मुकाबला, जीतेगी कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर जीतेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम।